भाई रहमानी रहीम। व्यूवर्स कैसे हैं आप लोग? उजाला के किचन में वेलकम आपका। और आज हम रेसिपी लेके आए हैं दही और पकौड़ों की, और आपको ये दिखाते हैं। ये एक पाव बेसन है और ये प्याज है थोड़ी सी लेकिन चॉप की हुई है दरमियानी। ये मिर्ची है कुटी और पीसी दोनों है, सफ़ेद ज़ीरा है और ये राई है और ये अजवाइन और हरी मिर्च और नमक। ठीक है, ये सब इसके अंदर मिलाते हैं हम। और उसके बाद लेकिन उससे पहले हमें इसको बेसन को सिलो फेंटना है ताकि ये अच्छे से फिट जाए, उसके बाद ये मसाले हम मिलाएंगे। ये थोड़ा थोड़ा पानी आप डालते जाएं और बेसन को फेंटते जाएं। खट्टा नहीं डालेंगे लेकिन, क्योंकि खट्टा डालने से इसमें बहुत ज़्यादा गुठलियाँ पड़ जाती हैं और इसमें बहुत ज़्यादा बुरा लगता है, फिर वो भी पकती भी नहीं। ठीक है, ठीक है, आस्ते आस्ते इसमें पिटाई करें और पानी भी थोड़ा थोड़ा आप साथ डालेंगे। ये अब अच्छे से हो गया, बहुत अच्छी इसकी पिटाई हो चुकी है। अब इसमें हम मसाले डालें, फेंटने के बाद मसाले डालेंगे तो वो ज़्यादा सही रहता है। ठीक है, जितने मसाले हमने दिखाए थे वो सब इसमें फेंटने के बाद डालें ताकि ना वो, इसके बाद फिर हम अभी इसको 5 मिनट फिटाई करेंगे ताकि ना दही पकौड़े अच्छे बने, खूब अच्छे फूले हुए बनेंगे इंशाल्लाह ताला। फिर अभी ये व्यूअर्स ये रेडी हो चुका है हमारा, इसमें फिटाई बहुत अच्छे से हो गई और ये बहुत अच्छा तैयार हो गया। अब इसको हम रखते हैं एक तरफ। ठीक है, अब हमारी दूसरी इसके साथ जो हमें दही बनाना है वो है इसके अंदर नमक कुटी पीसी मिर्च चारों चीज़ें। इसकी भी अच्छे से पिठाई हो जाए, इसके अंदर प्रिय पिसा हुआ लहसुन और अदरक है सिर्फ हाफ हाफ चमचा, दोनों चीज़ें यानी मिला के 1 चमचा हुआ ये। ठीक है, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है लेकिन पिसा हुआ हो। अब इसमें थोड़ा सा हमने पानी इस्तेमाल किया है, सिर्फ समझ ले ये वाला हाफ गिलास ये, तो इसमें हमने पानी डाला है थोड़ा सा ताकि पकौड़े जो है ना, जाहिर बात है पीते हैं दही तो इसमें बस। अब ये अच्छे से फिर चुका है और बहुत अच्छा। अब हम चलते हैं पकौड़े फ्राई करने के लिए, अभी दिखाते हैं। तो अब ये ऑयल हमारा गर्म हो चुका है, पकौड़े के लिए तैयार है। जाहिर है इसमें ज़्यादा ऑयल की ज़रूरत होती है क्योंकि ये डीप फ्राई करना है। ठीक है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपकी मर्ज़ी, आप हाथ से डालें बेसन, आपकी मर्ज़ी आप चमचा इस्तेमाल करें, जो आपका दिल चाहे। व्यूअर्स ये देखिए, अब ये पकौड़े जो है ना अभी फ्राई हो रहे हैं, डीप फ्राई करना और स्लो आंच पे इसको करना है, वरना तेज़ आंच कर देंगे तो ये कच्चे रह जाएंगे अंदर से। आइए अब इसको हम पलटते हैं, क्योंकि ये स्लो आंच में खो रहे थे तो जाहिर बात है ये, और बहुत ज़्यादा इसको सुरख नहीं करना है। ठीक है, लाइट सुरख करना, बस हल्के हल्के गोल्डन हो जाए बस, इससे ज़्यादा नहीं। ये गोल्डन फ्राई हो चुके हैं, अब इसको अभी हम दही में शामिल करते हैं, उसके बाद डिश आउट करके आपको दिखाएंगे। ये व्यूअर्स 2 मिनट के लिए हमने भिगोए थे, ठीक है, नॉर्मल पानी में। और ये इसके बाद इसको 2 मिनट के बाद इसको निकाल के और पानी दबा के आप इसको निकालें तो ये सही रहेगा। और इसमें ये होता है कि दही बहुत अच्छा सा ये सोखेगा, पानी में ये होता है कि थोड़े से सॉफ्ट हो जाते हैं। ये अब रेडी हो गए, इसको हमने पानी निकाल दिया इसका, और ये इसको आप दही में इतना दही डालें इसमें कि ये डीप हो जाए बहुत अच्छे से। ठीक है, जब ये डीप हो जाएगा तो ये बहुत अच्छे बनेंगे, अच्छे लगेंगे, खाने में भी टेस्ट आएगा इंशाल्लाह ताला। अब इसको सिर्फ बघारना रह गया, अभी हम इसको आपको एक अच्छा सा तड़का लगा के आपको दिखाते हैं बेहतरीन सा, तो और इसका मज़ा दुबाला हो जाएगा।
लहसुन ज़ीरा, ये इसमें लहसुन है और ज़ीरा है और क्या कहते हैं लाल गोल मिर्च है, कड़ी पत्ता है और हरी मिर्च है दो, और ये इसके अंदर अजवाइन है थोड़ी। अब ये सारा एक साथ आप डालें, देखिए अब ये तड़का तैयार है, इसमें हम आपको उसमें दिखाएंगे डालते हुए, और ये बहुत अच्छे में आपको अच्छा लगेगा इंशाल्लाह ताला खाने में, बहुत टेस्ट आएगा। ये तैयार है अब हमारा तड़का वगार, और ये बहुत अच्छे तरीके से माशाल्लाह से हुआ है। अब ये तैयार है, अब इसके अंदर थोड़ा थोड़ा सा धनिया डालिए ताकि और टेस्ट आए और मज़ा आए, बहुत अच्छा लगेगा खाने में। और ये रेडी है, ये तैयार है दही पकौड़ा, ठीक है। और अब आप लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और आपका प्यार है मोहब्बत है इसमें भी आप करेंगे, ठीक है। बाकी उजाला को इजाज़त दीजिए, नेक्स्ट रेसिपी के साथ हम फिर आएंगे। अल्लाह हाफिज़।